हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लहासा मार्केट ब्लॉग। चलिए आज आपको लहासा मार्केट जो हीरापुर में लगा हुआ है धनबाद में, चलिए आज आपको हम दिखा देंगे यहाँ पर जो तरह तरह के जो तिब्बतियन लोग होते हैं वे आए हुए हैं और यह मार्केट लगाते हैं। यह हर सिटी में लगते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर आपको दलाई लामा और महात्मा गांधी की पिक्स देखने को मिलेगी और नेशनल फ्लैग्स तिब्बत के और इंडिया के, और एक पोटला प्लेस जो लहासा में है, तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी, जो अभी नहीं है क्योंकि वहाँ चीन कर देता है। लेट्स गो, चलिए वीडियो में बनते थे। यहाँ पर आपको तरह तरह के स्वेटर, जैकेट्स और जो ऊनी सामान है जो वहाँ के हाथ से बने हुए और कुछ रेडीमेड वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ के जो बेस्ट बेड्स क्वालिटी जो रहते हैं वो बेस्ट रहती है। हाँ, प्राइस थोड़े हाई रहते हैं क्योंकि देखिए इन लोगों को वगैरह गाड़ी में आना जाना, टेंट वगैरह सब कुछ रेंट में लेना होता है और यह इसलिए यह महंगी होती है और टैक्स भी देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, इसी कारण महंगी होती है। लेकिन ये क्वालिटी जो रहती है बेस्ट रहती है, आप जरूर विजिट कीजिए। और यह हीरापुर में जिला परिषद जो ग्राउंड है उसमें लगी हुई है और धनबाद में और एक जगह लगी हुई है और ये मैक्सिमम आप हर सिटी में देख सकते हैं। यहाँ पर थैंक यू इंडिया देखिए लिखा गया, दलाई लामा को फोटो के साथ हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया क्योंकि दलाई लामा को इंडिया वालों ने रहने दिया गया, जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश वहाँ पर रहने दिया गया है। और देखिए यहाँ पर पोस्टर, और हम यहाँ पर आए थे कुछ मेरे एक भैया थे सीनियर उनके साथ और मेरे फ्रेंड के साथ एक जैकेट खरीदने के लिए, स्वेटर। आइए देखते हैं यहाँ पर खेलने, क्रिकेट खेलने दो। आ गई चट्टा भीड़, तू आ गया, पूरा भीड़ तो बहुत है। और ये हमारे शुभम भैया है, पसंद हुआ? देखिए हमारे शुभम भैया के लिए ये लेना है, ये इसमें ब्लैक में नहीं मिला, कितना है? 1450 ये ब्लैक में नहीं होगा, कमेंट्री तुम कर देना। बोलिए मफलर का कलर, बीच कलर, बीच कलर का वही तो हम बोल रहे, बीच कलर कौन सा जैकेट जकड़ा होगा उसका कलर दिखाएं थोड़ा। हॉस्टल नंबर लेके आइए, रिटर्न लेके जाइए, छोटा बड़ा होता है विदाउट हॉस्टल नंबर नहीं मिलेगा इसलिए। यहाँ तो HDFC बैंक है ना आपका? किसका? ये तो आप लोग का इंडिया का आधार कार्ड होगा ना? आधार कार्ड साहब यही क्या है, यही रहते हैं ना? तुमको मालूम नहीं है भूटान, नेपाल और तिब्बत का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को है? पता है, उतना पता है, मगर ये मतलब बोले ही नहीं है। बोलिए सर, चल गया ना मैम? आप लोग यहाँ धर्मशाला में ही रहते हो? हाँ जी, हाँ हम लोग तिब्बत के, हम वो जानते, जानते हैं, हम लोग पता है धर्मशाला में ही है ना, दलाई लामा है ना बोले को, तो शायद आप लोग का स्टॉल लगा वहाँ पुराना बाजार में ना। हाँ
लगाए ना इस बार शायद लगा, प्रत्येक बार लगता है। हम तीन साल में तीन बार लेके गए। अरे हम भी प्रत्येक साल को लेके आते हैं। ये भी तो देखिए ना, ये भी यही का है ना, है ना कपड़ा। इंतजार रहता है कि जल्दी से लगे। मैंने देखा था इसका क्वालिटी अच्छा था। ये सब जो इन ये सब उन उड़ता नहीं और दुर्दी टाइप का जो होता नहीं वो बनता नहीं है। कौन सा ये सब कपड़ा? यही तो इसमें तो नहीं बनता वो जैकेट का। यही का लिया हुआ पिछला साल जहाँ लिए थे पकड़ लिया, बोले यही लिए थे वही, बोले यही लिया था, बोले आदमी को नहीं पता लेकिन ये मेरा ही कपड़ा अपना पहचान, बोले मेरा ही कपड़ा है अष्टम का। आप लोग यहाँ ये सब अपने से बनवाते मंगवाते हैं? कोई कोई अपना से बनाते हैं। जनवरी पुराने मतलब फरवरी आते आते आप लोग चल जाएगा। अंकल यही वाला बोलना तो था आपको कि कितना दिन तक रहेगा। आप बोल देते नहीं वाला कि वही कैमरा हो जाता है ना तो फेस करने में दिक्कत होता है। ऐसे आपस में बात करते करते कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं होता है ना। हम ज्यादा नहीं चलते, अभी आपने बोला लेकिन हम ज्यादा नहीं चलता। कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? एक बार जरूर विजिट कीजिए लहासा मार्केट हीरापुर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। सुनो और आपको कुछ उड़न कलेक्शन भी दिखा रहे हैं जो हाथ से बने हुए लकड़ी के सामान हैं। ये क्या है? गांजा फूल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं धनबाद की जगह से और पूरे झारखंड से। ये रिंग ले सकते हैं। थैंक यू विशाल। ये मेरा नाम है दैट इज विशाल। और ये सर क्या इसको लकड़ी वाला सुनता हूँ निकल जाएगा क्या? वही दरो रहता है ना। फोटो खींचना ठीक है, फोटो खींच देना। चलो चलो कहाँ गए क्या?